हेलो स्टूडेंट्स, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता फिर से आया हूँ आपके लिए NTUGC नेट पेपर 1 से संबंधित कुछ नए क्वेश्चन लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट विच टाइम UGC इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी? UGC ने किस समय मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा शुरू की? तो ऑप्शन दिए हैं ड्यूरिंग 9th प्लान, ड्यूरिंग 10th प्लान, ड्यूरिंग 11th प्लान और ड्यूरिंग 12th प्लान। स्टूडेंट्स, बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन को रीड करें, उसका जवाब दें, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से उनका मिलान करेंगे। चलिए स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि UGC ने किस समय मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा शुरू की थी। तो UGC ने 12वें प्लान के समय मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा शुरू की थी। आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, ड्यूरिंग 12th प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है? नंबर एक ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, नंबर दो टाइटल ऑफ द रिसर्च, नंबर थ्री टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च और नंबर फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से शोध की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर वाज सेट अप इन विच ईयर? हमारे को बताना है। ऑप्शन डी है नंबर एक 1951 में, नंबर दो 1958 में, नंबर तीन 1959 में और नंबर चार 1963 में। तो स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए जानते हैं, IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी वाज सेट अप इन विच ईयर? IIT गुवाहाटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी है 1951 में, ऑप्शन टू 1978 में, ऑप्शन थ्री 1989 में और ऑप्शन नंबर चार 1994 में। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए जानते हैं, IIT गुवाहाटी की स्थापना सन 1994 में हुई थी। ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRD मिनिस्टर ने निष्ठा जो कि 22 अगस्त, इसको करेक्ट कर लेंगे, 22 अगस्त 2019 को लॉन्च किया है, ये निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है और ये किसके पर्पस से लॉन्च किया गया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, इसको अच्छे से तैयार करेंगे स्टूडेंट्स। तो निष्ठा की फुल फॉर्म है द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स। HRD स्कूल शिक्षा सचिव रीना रे ने लॉन्च इवेंट में कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है और देश भर के 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिसेंटली टू इंस्टीट्यूट कोलेबोरेट टू स्टडी हाउ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स स्प्रेड थ्रू ब्लड। हाल ही में कौन से दो संस्थान रक्त के माध्यम से स्तन कैंसर की कोशिकाओं को फैलाने का अध्ययन करने के लिए सहयोग करते हैं, आपस में कोलेबोरेशन किया है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दी है वो है IIT गुवाहाटी और IIC बेंगलोर, IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली। हमारे को कॉम्बिनेशन बताना है कि वो दो कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने हाल ही में कोलेबोरेशन किया है
ब्रेस्ट कैंसर सेल स्प्रेड थ्रू ब्लड के लिए? तो ऑप्शन दिया है ए दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन 3 सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। तो हमारे को बताना है, फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट्स, लेटेस्ट जानकारी है। चलिए जानते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएससी बेंगलुरु ने आपस में कोलेब्रेशन किया है इस स्टडी के लिए। तो चलिए जानते हैं, इस रिसर्च को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ घोष, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से हैं, प्रोफेसर गौतम विश्वास, ये भी आईआईटी गुवाहाटी से हैं, और डॉक्टर मोहित कुमार ज्वाली आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से हैं, और डॉक्टर अमरीश दलाल फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, टुगेदर विद ए रिसर्च फेलो डॉक्टर बिनीता नाथ एंड रिसर्च स्कॉलर अनिल बिडकर एंड विकास कुमार। यह काम हाल ही में स्विट्जरलैंड से प्रकाशित जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपा है। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर घोष ने कहा है, जबकि स्तन कैंसर एक स्थानीय बीमारी के रूप में शुरू होता है और कैंसर मेटास्टेटिस नामक एक प्रक्रिया में बढ़ सकता है और अन्य अंगों में फैल सकता है, जो रोग का सबसे विनाशकारी लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द टर्म ARIIA। तो इसकी फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अरियल रिलेट टू ARIIA, किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, ARIIA हमारा रैंकिंग से संबंधित है। किसकी रैंकिंग से संबंधित है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDU GKY अंत्योदय दिवस ऑन 25 सितंबर 2014 बाई MORD एक्सप्लेन DDU GKY एंड MORD। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंत्योदय दिवस, जो कि 25 दिसंबर 2014 को मनाया जाता है, को लॉन्च की गई थी और किसके द्वारा जारी की गई थी? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इन्हीं की हमारे को फुल फॉर्म बतानी थी स्टूडेंट्स। और DDU GKY क्या है, किसका भाग है? NRLM का। और NRLM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। HNBGU वॉज ए स्टेट यूनिवर्सिटी बट हैज़ एक्वायर्ड ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? HNBGU एक राज्य विश्वविद्यालय था, लेकिन इसने डैश से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया, स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। कब बना और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये बना था 2009 में, और HNBGU की फुल फॉर्म है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी थी और 2009 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग SN प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.